बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज की ताज़ा ख़बर तो यह है कि हमारे आर्मी चीफ जनरल बाजवा साहब 4 रोज़ा सरकारी दौरे पर सऊदी अरबिया पहुँच चुके हैं। मेरा ख़्याल में शायद ये वज़ीर आज़म साहब जो कि सऊदी अरब जाने का इरादा रखते हैं उससे पहले ये मामलात जो हैं वहाँ तय करेंगे और फिर जो कुछ भी तय होगा सऊदी अरबिया ने हमें जो कुछ देना है लेना है कुछ मनवाना है तो वज़ीर आज़म शायद जाके वहाँ पे एक रस्मी तौर पे दस्तखत कर दें। हमारा अजीब व गरीब रवाज है, इसकी क्या हैसियत है? लॉ की दो टर्म्स हैं, डिफेक्टो और डिजोरो। डिफेक्टो वो होती है कि ताकत या इख्तियारात आपके पास होते हैं लेकिन वो ओहदा आपके पास नहीं होता और आप गैर कानूनी तरीके से वो ओहदा अपने हथियार लेते हैं या उसके अख्तियार अपने पास हथियार लेते हैं तो इसको कहते हैं कि डिफेक्टो हैसियत। तो इसमें कोई बात नहीं है कि हमारे जो आर्मी चीफ हैं जो भी हों वो पाकिस्तान के डिफेक्टो हेड हैं और मेरा ख्याल में कि कोई आर्मी चीफ ऐसा नहीं देखा कि जो आईन पाकिस्तान की मैंने देखा हो कि एहतराम करता हो। उसकी अपनी एक्सप्लेनेशन होती हैं, उसकी अपनी वजाहतें होती हैं और पाकिस्तान की कौमी सलामती के नाम पे और वसी तर कौमी मफाद के नाम पे बेशुमार इख्तियारात हैं जो उन्होंने ईजाद किए हुए हैं और इसका बेईमाना इस्तेमाल होता है। लेकिन ये कोई बात इज़्ज़त की नहीं है, फ़ख्र की नहीं है कि कोई मुल्क में कोई बड़ा सरबराह आए, कोई बड़ी अहम शख्सियत आए तो वो आर्मी चीफ को ज़रूर मिले या आर्मी चीफ से उसकी ज़रूर मुलाकात हो, एक अलहदा मीटिंग हो। और फिर इस तरह की भी कोई नज़ीर नहीं मिलती कि आर्मी चीफ जो हैं वो इस तरीके से रवानी से गैर ममालिक में जाएं और दौरे करते रहें और वो उसमें पाकिस्तान के अहम कौमी मामलात जो हैं जो असम्बली के अंदर डिस्कस नहीं किए जा सकते उनको वो जाके उन वो मामला फहमी करें। जनरल हमीद गुल फरमाया करते थे कि हमारे आर्मी चीफ जो हैं वो अमेरिका की मर्ज़ी के बगैर नहीं बनते। चुनाचे जब ये मई 2019 में अमेरिका तशरीफ़ ले गए, इमरान खान साहब और बहुत बड़े एक डेलीगेशन गया था जिसमें फिर इन जनरल बाजवा साहब ठहर गए थे और इनको वहाँ पे 21 तोपों की पेंटागन ने सलामी भी दी थी, बाकायदा मार्च पास करके और बाकायदा इनको एहतराम दिया गया था। तो ये उस वक्त ही मेरा ख्याल है कि किसी प्रोग्राम में मैंने बताया था कि ये दौरा जो है ये जो सदर से जो स्टेट डिपार्टमेंट से हट के हुआ है, स्टेट डिपार्टमेंट का वजारत खारजा है और उन्होंने कहा था कि हमें इस दौरे का कोई इल्म नहीं है और ये प्रेजिडेंट हाउस डोनाल्ड ट्रंप ने किया और इसमें उसके दामाद कुशनर और MBS मोहम्मद बिन सलमान मशहूर MBS जमाल खोशगी का कातिल और बेशुमार जिसको कहना चाहिए कि क्राइम्स जैसे कमिट किए हुए हैं और जिसके ऊपर चार्जेस हैं जो इमरान खान साहब का आइडियल है। चुनाचे उनकी विरासत से जब डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात तय हुई तो उस वक्त ही जाने से पहले मैंने कहा था कि इस मुलाकात का अहम एजेंडा होगा आर्मी चीफ की एक्सटेंशन जो कि 2019 में नवंबर में आने वाली थी और मुझे यकीन था कि इमरान खान साहब जो हैं वो चूंकि इंतहाई दर्जे की दो शख्सियात को लेकर चल रहे हैं और उनके अंदर दोगलापन जो है वो कूट कूट के भरा है तो मुझे लगता था कि बाजवा साहब को डिच कर जाएंगे और वो एक कोई नया काम करेंगे। लेकिन बाहर उनको पाबंद किया गया, बाद में उन्हें ख़राब किया तो वहाँ पर जाके इनको ये एक्सटेंशन मिली। तो एनीवे ये मुझे तो इसमें है कि जी ये जो हैसियत है आइन से मावरा ये जब तक ठीक नहीं क्यों, मुझे कोई उम्मीद बन पड़ी थी। उम्मीद क्या थी, एक बड़ी एक आजाना दरख्वास्त की थी जनरल बाजवा साहब से कि आपके पास 1.5 साल रह गए हैं आप इसको ठीक कर जाएं। लेकिन जो उन्होंने साफियों से बात की और जो माल बेचने की कोशिश की जनरल साहब ने तो उससे लगता ही है कि जनरल साहब जो है वो अज़्म समीम रखते हैं, एक उनके अंदर एक बड़ा एक बात पर डटे हुए हैं कि जिस तरीके पाकिस्तान चल रहा है उसी को चलाना है क्योंकि उन्होंने उसी दौरान में अयूब खान के दौर को आइडियल करार दे दिया। हालांकि अयूब खान का दौर ही था जो पाकिस्तान को तोड़ के गया लेकिन मशी पाकिस्तान टूटने के बाद और पाकिस्तान के अंदर आइन और कानून को बार बार जब बड़े पैमाने तोड़ा गया तो मेरे लेवल पर आके भी फिर कानून का एहतराम ख़त्म हो गया। चुनाचे ये जो है निज़ाम चलता रहेगा, इसमें थोड़ा सा तबसा मैं फिर आखिर में भी वाइंड अप करते ही करूँगा उस मीटिंग में, जैसे मैंने कहा कि रोज़ाना भी ही उस मीटिंग के बारे में कोई ना कोई बात होगी। लेकिन ये बात पाकिस्तान के लिए कोई अच्छी नहीं है कि हमारा जो आर्मी चीफ है वो हुकूमत से ऊपर एक निज़ाम चल रहा हो और हम उसको देख रहे हों।
दूसरी जो है बात इम्पॉर्टेंट है वो इलेक्शन रिफॉर्म, जिसमें मैंने बात नहीं की और चूंकि अभी तक चल रहा है और अभी मेरा ख्याल था कि चूंकि चलता रहेगा, फिर उसका बिल आएगा असेंबली में, फिर जोर शोर होगा, हंगामा होगा, धूमधांधी से जो है बिल पास भी करवा लिया जाए। इसमें जाहिर है कि हुकूमत की जो बदनीति है वो कूट कूट के भरी है, उमट उमट के बाहर आ रही है। मतलब आप ये अंदाज़ा लगाएं कि जो हुकूमत जो है आरटीएस पे जीते और उसको ये पता होगा इलेक्शन उससे कैसे जीता है, जो हुकूमत जो है किस तरीके से जनूब पंजाब की पार्टी को एक दिन पार्टी बनी दूसरे दिन जम किया गया, किस तरीके से महकमा ज़राअत एक्टिव था, किस तरीके से सारे ज़िलों के अंदर जो है एस्टेब्लिशमेंट के सेक्रेटरीज कायम है और वो किस तरीके से सियासी बंदों के साथ उनके रबते थे और क्या जोड़ तोड़ हो रहे थे और दिन दहाड़े दीदा दलेरी के साथ वो लोगों को कह रहे थे कि अगर आपने टिकट वापस कर दिया नून लीग का तो आप जीत जाएंगे, ना किए तो हार जाएंगे, इसको इधर शामिल कर लो, इसको इधर शामिल कर लो। चलो निदाम चल गया, क्या कर लिया आपने, ये पाकिस्तान आपके सामने है और इसको आप चाटें, इस पाकिस्तान को किसी को इल्ज़ाम ना दें, बस मेरी ये गुजारिश है। अपने दो बटन खोलें और गरबान में झांकें। तो 2014 से लेकर 2018 तक जो प्रोजेक्ट था जिसके ऊपर ये सारी आपने कारस्तानियाँ की, ये उसी का नतीजा है। तो आपको कोई इलेक्शन रिफॉर्म्स करने देगा? ये जिसको कहना चाहिए कि शैतान के हाथ से कोई बंदा जन्नत लेता है, शैतान अगर मुझे ये कहे कि मैं तुम्हें जन्नत में भेजने की गुर बताऊंगा तो क्या मैं उसकी बात सुनूंगा, जबकि रहमान का पैगाम मेरे पास मौजूद हो? तो शैतान से कोई बंदा चीज़ नहीं लेता, ये शैतान से लोगों ने चीज़ें खरीदनी बंद कर दी हैं। ये टोला जो है ये एस्टेब्लिश शैतान टोला है, ये इतने मुनाफिक हैं कि चेयरमैन सैनेट जिसमें की माइनॉरिटी थी, जब सादिक संजरानी के खिलाफ वोट ऑन नो कॉन्फिडेंस 2 साल पहले आई, 2.5 साल पहले आई, तो भी खुफिया वोटिंग, और अब भी जबकि ये ओपन बैलेटिंग के लिए रोना धोना जोरों शोर मचा रहे थे और चूंकि वहाँ माइनॉरिटी थी तो चेयरमैन के लिए खुफिया वोटिंग। मेरा ख्याल था कि इनके पास ये मिसाल कायम करते हैं, लेकिन वो उसके लिए थोड़ी सी हमीयत होनी चाहिए, गैरत होनी चाहिए, कुछ इखलाक का कुछ इतना सा जो है प्रति बराबर दर्जे का इखलाक होना चाहिए, कोई मॉरल वैल्यूज होनी चाहिए, कोई मोरलिटी होनी चाहिए, उसके अंदर ये करते हैं, उन्होंने ये नहीं किया। और उसके बाद अब वो कहते हैं जी कि इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, आरटीएस का तो भी रोना ख़त्म नहीं हुआ, जियो के ऊपर हमें 7 बजे उठा दिया गया था कि तरीके साफ विक्ट्री अनाउंस करना जो है उसकी पाबंदी है। इस सूरत हाल में ये रिफॉर्म जो है ये सिर्फ अठाई गिरी और 2023 के इलेक्शन के लिए ये तैयारी हो रही हैं अंधाधुन। पाकिस्तान कहाँ खड़ा है, वो जो क्या मंत्र हो रहा है सऊदी अरेबिया से फिर को जाके मिन्नत तल जाके क्या बेचेंगे, क्या लेंगे, क्या खरीदेंगे, बेचेंगे, हमारे पास सवाई कश्मीर का कुछ नहीं रह गया। फिर उसके बाद हमारे पास न्यूक्लियर एसेट्स हैं, फिर हमने वो बेचने हैं, उसमें कुछ दिन खुशहाली आएगी, आनी चाहिए, इन्हीं चीज़ों पे हमें खुशहाली आई थी। अफगानिस्तान की जंग में हमने की अमेरिका की मदद की, खुशहाली आई, वॉर अगेंस्ट टेरर में हमने अमेरिका की मदद की, कुलिशन स्पोर्ट्स फंड में हमें 15 बिलियन डॉलर साल के मिले, खुशहाली आई, बड़े बेर का अड्डा दिया 1958 में अमेरिका को, खुशहाली आई। लेकिन ये सारी खुशहाली था, अंजाम क्या था? मशी पाकिस्तान अंजाम क्या था? सियाचिन अंजाम क्या था? कारगिल अंजाम क्या था? कश्मीर चला गया अंजाम क्या? एटमी असासे हैं वो हमारे हाथ से चले जाएंगे। अब आ जाएं जी, क्योंकि उस मीटिंग की किसी न किसी बात में डिस्कस करें जो मीडिया के साथ जनरल बाजवा साहब की हुई है, जो बुनियादी मरकज़ तो ये था कि बताया जाए कि नई हकीकतें हैं और नई हकीकतों का सामना करने के लिए हमें नए तरीके से कुलभूषण के मामले में रवैया एक फ़र्क रखना पड़ेगा, उसको छोड़ेंगे भी नहीं, फांसी भी नहीं देंगे, हम दे ही नहीं सकते। कमज़ोर आदमी जिसका जुर्मी उसकी ज़ईफ़ी है, कमज़ोरी है, वो कुलभूषण को फांसी देगा? जरूरत है? सवाल ही पैदा नहीं होता। वो तो नवाज शरीफ के लिए आपने रखा था कुलभूषण के लिए, वो आपने इस्तेमाल कर लिया, अब आपके बारे में तो कोई नहीं कह सकता ना कि आप कुलभूषण के यार हैं या कुलभूषण को बचा रहे हैं। आज भी अदालत में कुलभूषण की सफाइयों में सरकारी वकील पढ़ चढ़ के बोल रहे थे, कोई बोलेगा नहीं मोदी के लिए, भारत को कोविड के सिलसिले में कर रहे थे। आज सुप्रीम कोर्ट के एक और भी दरमियान में जुमला मुतरजा के वो जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट है जिसने कोविड के बारे में फैसले किया है, सुप्रीम कोर्ट ने बताया किस तरीके से एक नया स्कैंडल, किस तरीके से एक अपने बंदे से
N95 मास्क की फैक्ट्री लगवाई गई, इससे सैनिटाइजर खरीदे गए बड़े पैमाने पे, चीन के अंदर से मशीनें खरीदी गई, चीज़ें खरीदी गई। और सुप्रीम कोर्ट आज भिना रहा है। मैंने कितनी दफ़ा कहा है कि इस हुकूमत के जितने फाइनेंशियल स्कैंडल्स हैं पाकिस्तान की तारीख में नहीं है। मुझे कोई बता दे, चैलेंज कर दो मेरे साथ आके बैठ के टीवी, बता दे कि इस हुकूमत के 2.5-3 साल दौर में पाकिस्तान में जो करप्शन का, चोर बाजारी का जो बाजार गर्म हुआ है, मेरे साथ आके बैठ के डिबेट करे। मैं कह दूं मैं अपने आप को इस चीज से जो है बरात ले लूंगा, छोड़ दूंगा चीज कि अगर मैं साबित ना कर सका। और आखिर में इसहाक डार साहब से मैंने खसूसी गुजारिश की थी कि जनरल बाजवा साहब ने आपके बारे में कुछ बहुत मेहरबान कलमात कहे हैं, वो वहाँ पे बैठ के हमेशा किसी की हुब्बुल वतनी का सर्टिफिकेट हमारे आर्मी चीफ साहब दे रहे होते हैं, किसी की गद्दारी का दे रहे होते हैं, किसी की दयानदारी का दे रहे होते हैं, किसी से दयानदारी का वापस ले रहे होते हैं। अदालतों के अंदर केस चल रहे हैं, नहीं चल रहे हैं, लेकिन उनके पास वसायल हैं, अदालतों में साबित नहीं हो सकते। राना सनाउल्लाह को हमारी एस्टेब्लिशमेंट ने ड्रग्स में पकड़वा दिया, साबित हुआ या नहीं हुआ, लेकिन सर्टिफिकेट उनको मिल गया कि वो ड्रग्स के बहुत बड़े पाकिस्तान के डीलर हैं। तो ये जो सर्टिफिकेट वहाँ बंट रहे होते हैं उसके अंदर उनके में कुछ की एक्सपायरी डेट भी होती है, कुछ एक्सपायरी डेट शायद ना हो। नवाज शरीफ साहब के बारे में हमेशा उन्होंने कहा कि बड़े मुहब वतन है, पिल डेट में तो यहाँ तक कह दिया था कि वो उनकी दयानतदारी जो है कोई बात नहीं करता हूँ, मामला उनके वाले साहब ने ख़राब किए हैं। तो उसमें उन्होंने इसहाक डार साहब के बारे में गम गुस्सा किया। इसहाक डार साहब भी कई दफ़ा इशारतन कनायतन कहते हैं, लेकिन उनको कोई नेशनल सिक्योरिटी का एहतराम है और बहुत सारी बातें वो समझते हैं कि कौमी राजें रहनी चाहिए, लेकिन ये बात जो है हमारे आर्मी चीफ साहब हैं उनको भी समझ नहीं होगी और इदारों के सरबराहों को भी समझ नहीं होगी कि जब आप बात करेंगे। और जब आप याद सादिक साहब के बारे में जो उन्होंने फरमाया था उसमें मैं कमेंट देता हूँ, याद सादिक साहब ने शाह महमूद कुरैशी साहब के बारे में कहा था, ऐसे बातों को तोड़े मोड़े नहीं। मेरा ख्याल में उनको जिस तरीके बातें पहुँचाई जा रही हैं, मेरा जो खतरा ये है कि चीफ साहब को बातें गलत अंदाज में जाके पहुँचाई जा रही हैं, और फिर उनके सामने जो लोग बैठे होते हैं जिसमें इसहाक डार, मेरा ख्याल उनमें शायद कैपेसिटी नहीं है। तो इसहाक डार साहब की पहले बात सुन लें और उसके बाद फैसला आपका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातुवस्सलामुअलैका या खातमुन्नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैंने जावेद चौधरी साहब का कॉलम पढ़ा और मैंने दो एक दिन इंतज़ार भी किया कि अगर उसमें कोई मिस रिपोर्टिंग है तो वो कॉन्ट्राडिक्शन आ जाए। जब नहीं आई तो फिर मैंने उसका रिस्पांस आगे भी दिया और मैं समझता हूँ कि वो हकायक पे वो कॉलम मबनी नहीं है, उसमें गलत बयानियाँ भी हैं और उसमें लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी है। मसलन शुरू वो कॉलम होता है कि जी जीडीपी ग्रोथ जो है हमारे ज़माने में 5.8% जो थी वो इस वजह से थी कि हमने बैंकों के लोन्स लेके कर दी। बैंकों के लोन्स का तो जीडीपी से कोई ताल्लुक नहीं है, और अगर बैंकों के लोन्स के साथ जीडीपी का ताल्लुक हो तो इस हकूमत ने जो हमने 5 साल में कर्जे लिए और जो जितने काम किए तरक्याती और डिफेंस का बजट डबल किया, सूबों के पैसे डबल किए, तो वो तो फिर इस वक्त 10-11% जीडीपी ग्रोथ होनी चाहिए। तो ये उनकी लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, उनको नहीं पता कि वो क्या बात कर रहे हैं। फिर उन्होंने कहा जी कि वजारत खजाना में फेस्पा का यानी जो इटालियन कंपनी है पाकिस्तान में पौजा लगाना चाहती, तो वजारत खजाना ने कमीशन मांग लिया। फिर जावेद चौधरी साहब अगले सेंटेंस में कहते हैं कि जो इटली का सफीर नहीं है और जिसके कवायफ डिप्लोमेटिक कोर में सबको पता कि कैसे थे, तो उन्होंने उनको कोर्ट कर कहा जाए कि मैंने यानी वजीर खजाना ने, मुझे बहुत तकलीफ हुई कि ये ऑब्वियसली ये तो एक गाली देने के बराबर है। अल्लाह ताला की अमानत और हुजूर नबी सल्लम की अमानत समझ के इस मुल्क में हमेशा अपनी जिम्मेदारियाँ निभाई हैं और आवाम की अमानत समझ के हमेशा काम किया है, तो इस तरह की बात है वो ये कोई छोटी बात नहीं है कि आप 30 जर्नलिस्ट में इस तरह की बात कर दें और इतना बड़ा और आप इल्ज़ाम लगा दें। और सिर्फ किसी के अगर किसी ने कहा भी है तो आपको चाहिए था कि आप उस वक्त मेरे साथ बात करते, हमारा एक ऑफिशियल एक ताल्लुक था, पर्सनल ताल्लुक को छोड़ें, हम उस सफीर को बुला के कन्फ्रंट करते और हक सच की बात सामने आती। वैसे मैं ये भी अर्ज़ कर दूँ कि वजारत खजाना का तो कोई ताल्लुक ही नहीं है इन्वेस्टमेंट की कोई परमिशन देने का, वो तो बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट का काम है और बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट में ये प्रपोजल आते हैं और बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट उसको आगे लेके जाती है
तो मुझे बड़ी अजीब किस्म की ये बात लगी और मुझे बहुत दुख हुआ कि आप एक अनवेरीफाइड चीज एक इनफॉर्मल मीटिंग में 30 जर्नलिस्ट को बैठ के कर रहे हैं और आप एक मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड कर रहे हैं। तो मैं बहरहाल मैं समझता हूँ कि जी मैं अल्लाह के फजल व करम से चैलेंज करता हूँ कि मैं फर्स्ट टाइम 1992 में बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट मैंने सेटअप उस वक्त किया था, उस वक्त से लेके आज तक किसी मिनिस्ट्री में किसी पब्लिक ऑफिस में ऑपोजिशन में लीडर थी ऑपोजिशन एक रुपए की रेगुलरिटी आप मुझे साबित करके दिखाएं। लेकिन आप इतनी बड़ी जब बात करते हैं तो आपको सोचना चाहिए 10 दफा कि आपने अल्लाह को भी जवाब दे होना है, और आप इस तरह लूज टॉक करें तो मैं समझता हूँ कि मुनासिब नहीं है। बाकी ये कहना कि जी मेट्रो की बात उन्होंने मेरे साथ की, मेरे साथ कभी मेट्रो की बात हुई, मेट्रो प्रोविंशियल सब्जेक्ट है और मेट्रो जो है वो हमारी कभी बात हुई। सीपैक के उन्होंने जरूर बात की, उन्होंने और वो फोरम पे की अपने नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में की, और उसमें उन्होंने कहा कि जी ये लोन्स हैं पता चला है और ये 8% पे है, और मैंने उसको करेक्शन की तस्दीक की उनकी कि जी ये लोन्स नहीं है, ये 46 में से 34 बिलियन जो है वो इन्वेस्टमेंट है और वो प्राइवेट सेक्टर को है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान नहीं ले रही। हाँ बाकी 12 बिलियन में 6 बिलियन रेलवे के लिए है, ML1 के लिए वो हमने इस्तेमाल नहीं किए, और 3 बिलियन जो है वो कराची टू लाहौर मोटरवे में एक सेगमेंट के लिए है मुल्तान सक्कर, क्योंकि वो अंडर ट्रैफिक है, BOT पे नहीं बन सकता, और 3 बिलियन ग्वादर के तमाम जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स थे पोर्ट भी और एयरपोर्ट भी और यूटिलिटीज एक्सेट्रा। तो 2% उसकी जो पब्लिक सेक्टर में जो बोरिंग थी उसकी 2% कॉस्ट थी। तो बाद में आपने देखा कि वो कंटेनर की बातें थी, और मैंने कहा उनको मैं कहा आप तो कंटेनर की बातें कर रहे हैं जो कंटेनर में होती थी, असद उमर जो कहता था, ये इमरान खान जो बात कहता था। तो बात यह है कि बाद में इवन PTI की हुकूमत को असद उमर साहब को ये बयान देना पड़ा वाशिंगटन में कि जी वो 2% उसकी कॉस्ट थी, 8% नहीं थी। और फिर उन्होंने कहा जी कि जब उन्होंने सवाल किया तो मैंने दाएं देखा और मैंने बाएं देखा, और मैंने कहा सर कुछ सियासी, मैं सियासी कोई कुछ फैसले होते हैं सियासी फैसलों में बिलीव नहीं करने वाला मैं। दूसरा ये कि जैसे मैंने कहा कि ये प्रोविंशियल डोमेन है और उनको ये फिक्र होनी चाहिए कि अगर शहबाज शरीफ साहब ने 100 अरब में 3 शहरों में मेट्रो कायम की, जिसमें लाहौर की मेट्रो है, जिसमें मुल्तान की मेट्रो है, जिसमें रावलपिंडी से इस्लामाबाद की मेट्रो है, तो उनको फिक्र होना चाहिए कि उससे कहीं ज़्यादा पैसे पेशावर की मेट्रो के खंडरात जो बने हुए हैं उसमें लग चुके हैं और उसको कोई हाथ नहीं लगाने वाला, और उनके जो सिलेक्टेड इमरान नियाजी साहब हैं वो उसके जिम्मेदार हैं क्योंकि 8 साल से उनकी वहाँ उनकी हुकूमत है KPK में उस पार्टी की। तो वो बात कभी हुई नहीं। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपनी जो हमेशा जिम्मेदारियां अल्लाह और अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की समझ के जो निभाई हैं, तो उसमें मैंने जब ऐसी बातें आती हैं तो ना मैं कभी दाएं देखता हूं ना बाएं देखता हूं, मैं जो भी पर्सनैलिटी हो चाहे वो जनरल कमर बाजवा साहब हो या कोई और हो, मैं आंखों में आंखें डाल के बात करने वाला हूँ, मैं दाएं बाएं नहीं देखता। और उनको अच्छा इसका तजर्बा है और उसके विटनेसेस हैं, उसके विटनेसेस शाह खाकान अब्बासी एज वजीर आजम उस वक्त और कुछ और वज़रा भी शामिल थे। तो मैं समझता हूँ कि उन्होंने बड़ी छोटी बातें की हैं और बहुत ही मुझे दुख हुआ है कि उन्होंने उनको ये बातें नहीं करनी चाहिए थी 30 जर्नलिस्ट में बैठ के, और इस तरह की जो लूज टॉक है वो अगर उनको है तो वो आए मेरे साथ ऑन एयर बात करें और मैं उसका जवाब दूंगा उनको। लेकिन जैसे मैंने कहा कि मैंने फिर भी 2 दिन इंतजार किया कि वो किसी चीज़ का अगर कॉन्ट्राडिक्ट करना चाहते हैं तो कर लें, उसके बाद मैंने जवाब दिया। तो बहुत अफसोसनाक है कि अगर एक आर्मी चीफ इस तरह की बातें इनफॉर्मल मीटिंग में 7 घंटे की जर्नलिस्ट के साथ बैठ के, मतलब पता नहीं कहाँ से इतनी लग्जरी ऑफ टाइम है, और उनको ऐसी बातें करेंगे तो मैं समझता हूँ फिर उसका जवाब तो बनेगा, और जवाब दिया है और जवाब देना चाहिए ताकि अवाम और कौम को पता हो कि हक और सच क्या है।